विश्व योग दिवस के मौके पर मानसरोवर यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदिक कॉलेज में योग दिवस मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने योग अभ्यास किया। वहीं इस मौके पर यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर गौरव तिवारी ने सभी को पौधा भेंट किया। मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के आयुर्वेदिक कॉलेज में विश्व योग दिवस आरोग्य भारती और श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड मेडिसिन के संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया। कार्यक्रम में हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा सहित बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। इस दौरान वहां आए सभी लोगों ने योग अभ्यास किया। योग दिवस को लेकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि योग और आयुर्वेद भारत की धरोहर हैं। ऋषियों के द्वारा दिए गए योग के ज्ञान को आज का विज्ञान भी मानने लगा है। उन्होंने कहा, योग के माध्यम से व्यक्ति 100 वर्षों से अधिक स्वस्थ जीवन जी सकता है। इस मौके पर मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सीईडी गौरव तिवारी ने सभी गणमान्य अतिथियों का पौधा देकर स्वागत किया और कहा कि कोरोना काल में आज हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ महायोग अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग और आयुर्वेद की महान धरोहर को संरक्षित करने के लिए मानसरोवर समूह सदैव ही प्रतिबद्ध है। वहीं मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अरुण पांडे ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। योग दिवस वो आज हमको प्राप्त हुई है। कहने का आशय इतना है कि हम योग कर रहे हैं, हमारी साधना को लेकर दुनिया के आज अगर देशों की संख्या ली जाए तो उसमें 85% देश ऐसे हैं जो भारत की साधना को लेकर जी रहे हैं। वो योग से योगा तक बढ़ गए और हम अपने योग को भूल गए। हम अपने जिंदगी में व्यवसायिक योग पर आधारित हो गए और शारीरिक योग की विधा को जब हमने छोड़ा तो उसके परिणाम ये हुए कि जो कोरोना संक्रमण आया उस संक्रमण में आप देखो कि शहर में इस बात के लिए कि भयानक त्रासदी आई, गांव इससे जीवटता के साथ लड़ता रहा। तो कैसे लड़ता रहा? तो गांव में ऑक्सीजन थी इसलिए भी लड़ता रहा, गांव में शारीरिक के प्रति वैज्ञानिक तरीके से करने की पद्धति भली नहीं थी लेकिन दिन भर का परिश्रम ऐसा था कि वो शरीर के सभी अंगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने सूर्य नमस्कार में जितने व्यायाम आते हैं उसका लाभ मिला। हमारे अतिथियों की प्रेरणा से आज मुझे पूरा यकीन है कि युवाओं ने भी योग को अपने जीवन में जीवंत करने का एक प्रण लिया होगा और आशा करता हूँ कि हम इसी तरह से हर रोज़ अपने बारे में सोचेंगे। सर्वप्रथम सुबह उठ के अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा तो ये देश और पूरा विश्व स्वस्थ रहेगा। और अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप शांत रहेंगे, खुश रहेंगे और खुशहाल जीवन ही मुझे लगता है मनुष्य होने का उद्देश्य है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।